गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विजन क्लासेज इटमा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के मैट्रिक्स चैप्टर का पार्ट थर्ड वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज ऑपरेशन और मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि कोई हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर भी करें, है ना। तो आते हैं हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, यानी कि अवयवों की संक्रियाएं, यानी कि हम लोग मैट्रिक्स का ऑपरेशन करेंगे, जिसमें पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का योग कैसे होता है, जोड़ते कैसे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कि लेट ए एंड बी आर टू इक्वल एम वाई एन मैट्रिसेस। मान लेते हैं कि ए और बी दो समान एम वाई एन यानी दो समान ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, यानी कि उसकी कोटि जो है समान है। जैसे कि एक ले लेते हैं ए बराबर ए आई जे, जो एम वाई एन कोटि का है, और दूसरा बी बराबर बी आई जे, ये भी एम वाई एन कोटि का है, ठीक है। ये भी क्या है, एम वाई एन कोटि का है। अब इसको हमको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे कैसे, तो सिंपल है, ए प्लस बी जोड़ेंगे। तो ए प्लस बी यानी पहला ए आई जे और एम बाई एन का कोटि का, प्लस बी का, बी के जगह पे बी लिखेंगे, यानी बी आई जे और ये एम बाई एन कोटि का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे और ये एम बाई एन कोटि का हो जाएगा, यानी इस तरह का योग हो गया। तो उसी तरह से जैसे एक एग्जाम्पल की तरह हम बताते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है समान है, इक्वल हो, जैसे कि दो माइनस तीन पांच, फिर तीन पांच जीरो, ये ए बराबर एक मैट्रिक्स लिए। इसी तरह जो जिसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, दो बाई तीन, यानी रो जो है रो की संख्या दो है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, तीन है। फिर उसी तरह से बी बराबर भी एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें चार तीन पांच माइनस तीन दो चार, इस तरह का देते हैं, है ना। इसमें भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो दो बाई तीन का है, टू बाई थ्री, यानी कि नंबर ऑफ रो की संख्या दो, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम की संख्या तीन। अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है, ए प्लस बी करना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, यानी कि संगत एलिमेंट को ऐड करेंगे, यानी ये और ये दोनों को ऐड करेंगे, अपने अपनी जगह पे ऐड होगा। तो ये देखो दो और प्लस चार हो जाएगा, फिर उसी तरह से ये तीन और ये प्लस तीन हो जाएगा, फिर उसी तरह से पांच प्लस पांच हो जाएगा, अपनी अपनी जगह पे ऐड होगा, फिर ये तीन प्लस और माइनस तीन हो जाएगा, है ना। तो देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, माइनस तीन हो जाएगा, फिर इसी तरह से ये पांच प्लस दो हो जाएगा और ये जीरो प्लस चार हो जाएगा, है ना। अब देखो यानी कि ये कितना हो जाएगा, चार और दो छह हो जाएगा, फिर ये तीन में से तीन घट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और पांच प्लस पांच दस हो जाएगा, फिर यहाँ तीन में से तीन यहाँ भी घटेगा तो जीरो हो जाएगा, ये पांच और दो सात हो जाएगा और जीरो प्लस चार यानी चार हो जाएगा, यानी ये भी हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है दो बाय तीन के फॉर्म में आया और ये योग हो गया। इसी को कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि जोड़ते हैं, इसको कैसे जोड़ते हैं। अब दूसरा आते हैं नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, दूसरा नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स,
नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह की ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव कैसे करते हैं। तो मान के चलते हैं कि लेट लेट ए लेट ए इज ए इज एम बाई एन मैट्रिक्स ए जो है एक एम बाई एन यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स है आव्यूह है तो इसलिए ए बराबर ए आई जे ए आई जे ये एम बाई एन का। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि इसको नेगेटिव जब करेंगे यानी माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये भी नेगेटिव हो जाएगा ए आई जे इस तरह का ये एम बाई एन ये इसी को बोलते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। इसको बोला जाता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं एक कि ए का ए कोई मैट्रिक्स है 2-3, 4-5, 6-3 या 0 ये एक नेगेटिव है सॉरी मैट्रिक्स है। अब इसको हमको बनाना है नेगेटिव मैट्रिक्स तो नेगेटिव मैट्रिक्स है यानी कि माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा यानी कि ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा ये माइनस में तो प्लस यानी माइनस माइनस क्या होगा प्लस तो ये 3 हो जाएगा प्लस में और ये माइनस में 4 ये हो जाएगा प्लस में ये माइनस में और ये 0 प्लस माइनस सब बराबर है। ये भी हमारा नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिसेज हो गया नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिसेज हो गया। तब हम इसको कह सकते हैं क्या कि देन रुक दो देन देखो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देन द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय माइनस ए यानी कि हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का ऋणात्मक को माइनस ए से सूचित करते हैं एंड इसको डिफाइन कैसे करते हैं तो माइनस आई जे से। ठीक है ये हमारा नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिसेज हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेज। दूसरा तीसरा आ गया डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस यानी कि दो आव्यूहों का अंतर यानी घटाएंगे कैसे आव्यूह को। तो यहां भी क्या कहते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू इक्वल एम बाई एन मैट्रिसेस या मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स है जो समान कोटि का है ना। एक ले लेते हैं ए बराबर जैसे कि ए आई जे जो एम बाई एन कोटि का है और बी बराबर बी आई जे जो एम बाई एन कोटि का है ना। ये दोनों समान कोटि का दो मैट्रिक्स है तो इसको घटाएंगे कैसे तो ए माइनस बी बराबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या कि ए आई जे जो है एम बाई एन कोटि का आई माइनस हो जाएगा बी के जगह पे बी वाला मान रखेंगे यानी बी आई जे एम इंटू एन या एम बाई एन इसको पढ़ते हैं तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ए आई जे माइनस बी आई जे एम बाई एन यही हमारा ये घटाव हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं कि ए का बराबर कोई मैट्रिक्स है 2-3-5-4-3-2 है ना। ये मैट्रिक्स है जो 2x3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का है। फिर एक बी बराबर मैट्रिक्स ले लेते हैं जो -3-3-4-6-8-0-5 ठीक है ये दो मैट्रिक्स हैं। अब इसको घटाना है हम लोगों तो ए माइनस बी
ए माइनस बी, यानी घटाएंगे तो घटाने पर क्या होगा, क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उसको घटा देंगे, क्रॉस्पॉन्डिंग यानी संगत एलिमेंट, संगत अवयव जो है, जैसे दो माइनस तीन है तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा दो और माइनस तीन, तो ये माइनस तीन ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस तीन और वो हो जाएगा माइनस चार, फिर ये पांच माइनस छ, यानी सबको घटा देना है, फिर उसी तरह से यहाँ भी चार माइनस आठ, फिर ये हो जाएगा तीन माइनस जीरो और ये हो जाएगा दो माइनस और माइनस पांच। इसी को आप अच्छे ढंग से लिख देंगे तो यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी तीन और दो पांच, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ये भी, लेकिन चीन माइनस रहेगा, चार और तीन सात, पांच में से छह घटेगा तो माइनस एक, चार में से आठ घटेगा तो माइनस चार, तीन माइनस जीरो यानी तीन, और दो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो और पांच सात हो जाएगा, यानी कि ये दो बाई तीन मैट्रिक्स का आ गया, ये हमारा डिफरेंस आ गया। इसी को कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, इसको क्या कहेंगे, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। अब इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज है, एडिशन के चौथा आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स, जिसमें कुछ गुण है मैट्रिक्स के, कुछ गुण आता है, जिसमें पहला है क्या कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन यानी कि योग का क्रम विनिमेय नियम, योग का क्रम विनिमेय नियम, जो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा। फिर दूसरा है एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, इसका मतलब हो गया कि योग का सहचर्य नियम, यानी अवयव के योग का ये सहचर्य नियम में क्या है कि a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी है तो a प्लस बी बी प्लस सी ब्रैकेट में ये ला सकते हैं, बराबर है, ठीक है। तीसरा एक्सटेंस ऑफ एडिशन, एडिशन एक्सटेंस ऑफ एडिशन सॉरी एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी इसका मतलब होता है कि योग के गुणधर्म, अवयव के योग के गुणधर्म का नियम, यानी गुणधर्म जिसमें ए, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है और कोई जीरो मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स में और जीरो मैट्रिक्स में अगर हम उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए ही प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। फिर चौथा है एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब हो गया योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का ये अस्तित्व हो गया, ये योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व नियम, जैसे कि a और इसका प्लस b है उसका माइनस a है तो ये दोनों क्या होगा, कट करके जीरो इन मैट्रिक्स आ जाएगा, तो वही कह रहा है एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व नियम। और पांचवा है कॉन्सलेशन लॉ, यानी काट नियम, अवयवों के काट नियम, तो a प्लस बी बराबर ए प्लस सी अगर करेंगे तो क्या होगा कि a से ये कट जाएगा और आ जाएगा b बराबर सी, ये लेफ्ट हो गया, यानी लेफ्ट में कट रहा है, बायां साइड कट रहा है इसलिए लेफ्ट हो गया, और ये b प्लस ए बराबर सी प्लस ए जो कि ये दायां पर में कट रहा है तो ये b बराबर सी, जो इसको कहेंगे राइट कॉन्सलेशन लॉ, इसको लेफ्ट कॉन्सलेशन लॉ, इसको राइट कंसलेशन लॉ। अब इस सबको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे कि हम एक को प्रूफ करके दिखाते हैं, देखो एक का प्रूफ करेंगे हम एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, तो देखो एक का हम प्रूफ करेंगे, पहला है क्या कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, एडिशन यानी कि योग का क्रम विनिमय नियम हमारा कहता है नियम कि a प्लस बी जो होगा वो b प्लस a के बराबर होगा, ये मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ये योग में ऐसे होता है, तो जैसे कि आप तुम लोग कर सकते हैं दो प्लस तीन बराबर पांच, तो ये तीन प्लस दो ये भी पांच होगा, है ना, तो इसी तरह से ये प्रूव करना है, हम लोग मैट्रिक्स में प्रूव करेंगे, तो देखो कि प्रूफ इसका लिख दे रहे हैं, प्रूफ लेट ए बराबर एक मैट्रिक्स लेते हैं जो ए आई जे और एम बाई एन कोटि का है, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स लेते हैं जो बी आई जे और ये भी एम बाई एन कोटि का है, ठीक है। अब इसको एक साइड यानी चलते हैं फ्रॉम एल एच एस से
पहले चीज से चलेंगे तो a प्लस बी, तो a प्लस बी ये हमारा a बराबर कितना है, तो ए आई जे एम बाई एन कोटि का प्लस ये हो जाएगा बी आई जे एम बाई एन कोटि का, है ना। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए आई जे सॉरी प्लस बी आई जे और एम बाई एन कोटि का। अब देखो जोड़ में क्या होता है, अंक को हम पलट सकते हैं, तो इसको पलट देते हैं बी आई जे, पलट सकते हैं इसको जोड़ में, क्योंकि अभी जस्ट हम बताया कि दो प्लस तीन लिखे या तीन प्लस दो लिखे, क्योंकि ये योग में आ गया जोड़ में, तो पहले ये जो तो मैट्रिक्स में था लेकिन यहाँ बीच में क्या आ गया जोड़ में आ गया योग में, तो इसको पलट सकते हैं, तो बी आई जे प्लस ए आई जे हो जाएगा और ये एम बाई एन कोटि का है ना। फिर इसके बाद अब इसको अलग अलग कर देते हैं, ये हो जाएगा बी आई जे और एम बाई एन कोटि का, फिर प्लस ये हो जाएगा ए आई जे जो एम बाई एन कोटि का। अब ये बी आई जे कितना के बराबर है, तो बी के बराबर है, और प्लस ए आई जे ए के बराबर है, यानी बराबर आर एच एस हमारा आ गया। यानी इसी तरह से एकदम सिंपल है, सिर्फ इधर का उधर करना है, सिंपल है। इसको प्लॉट करके सभी को हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं, समझ रहे हैं, सबको प्रूफ कर सकते हैं इसी प्रकार से। तो हम अब आगे चलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की ओर चलेंगे। अब अगर तुम लोग को ये स्पेस आउट करना है कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, यानी किसी भी अभ्यूह में अगर हम कोई संख्या यानी अदिश से गुना करेंगे तो कैसे गुना होगा, किसी भी मैट्रिक्स से गुना कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे ए आई जे बी ए एम बाई एन मैट्रिक्स, ठीक है। हमने क्या किए कि ए एक मैट्रिक्स लिए, है ना, ए एक क्या किए मैट्रिक्स लिए। अब मैट्रिक्स लिए तो इसमें हमको के से मल्टीप्लाई करना है, बाय द वे के ए करना है, तो क्या होगा कि इसके सभी एलिमेंट से के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए का जो भी एलिमेंट होगा उसके सभी एलिमेंट से ये के से गुना हो जाएगा। जैसे कि के से हम गुना कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा के ए आई जे एम इंटू एन हो जाएगा या एम बाई एन हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल एक लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है 2 3 -4 5 6 -0 -3 2 3, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसमें हम मान के चलते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि सभी संख्या में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 3 है, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा कितना, यानी कि ये 2a यानी 2 × 4 हो जाएगा, ये 3 × 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कि -4 × 8, ये हो जाएगा 4 × 8, 6 × 12 ये 0, ये 3 × 6 और ये हो जाएगा 2 × 4 और ये 3 × 6, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स निकल करके आ गया। इसी तरह से हम लोग किसी भी संख्या से अगर मैट्रिक्स में गुना करना हो तो इस पूरे संख्या यानी पूरे एलिमेंट में हम गुना करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं इसी में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी अदिश गुणन का गुणधर्म, यानी कि जो हमने ये मल्टीप्लाई किए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ये अधिश संख्या से यानी कि गुना हम किए किसी भी अभ्यूह में जिस तरह का बताया उसी का कुछ प्रॉपर्टीज है।
यानी कि कुछ गुणधर्म है, जैसे कि पहला कि अगर कोई संख्या हम a प्लस बी कोई दो मैट्रिक्स है उसमें योग में अगर हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो k जो मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स a में भी होगा और मैट्रिक्स b में भी होगा। फिर उसी तरह से दूसरा कि a प्लस बी यदि हम कोई एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी जो होगा यानी a वाला छोटा वाला a मैट्रिक्स इसके लिए भी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बी ए हो जाएगा, मिस्टेक हो गया था, बी ए ये इस तरह का हो जाएगा। फिर अगर कोई माइनस संख्या अगर ए से मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा जो मैट्रिक्स होगा वो यानी माइनस में हो जाएगा या फिर मैट्रिक्स माइनस में हो जाएगा। फिर उसी तरह से चौथा ए और ये बी मल्टीप्लाई ऑलरेडी पहले से रहेगा तो ए भी उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा या उसको अलग कर सकते हैं, बी को अलग कर ले सकते हैं। ठीक है, ये सबको भी प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ कर सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ज्यादा तुम लोग बुक में भी देख सकता है, देखो कुछ ये प्रूफ करने से टाइम वेस्ट होगा। बस आज का वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, जो एक्सरसाइज वो ए वाला बुक से शुरू करेंगे। ठीक है, तुम लोग देख सकता है कैसे सीना का बुक है ये, मैथमेटिक क्लास 12 इसी किताब से देख सकता है, तुम लोग इस बुक से शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।